समय मैं हूँ अयोध्या के नए घाट पे, राम की पैड़ी के बिल्कुल सामने स्थित है श्री गोरे राम मंदिर। तो ये राम जी का मंदिर है जिसे गोरे राम मंदिर के नाम से जानते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और कराते हैं आपको दर्शन अपने श्री राम के, गोरे राम मंदिर से जो ये नाम है उसके दर्शन कराते हैं। तो चलिए आइए। अयोध्या में भगवान राम के कई रूप और रंगों में दर्शन होते हैं और यहाँ पर हम करेंगे प्रभु श्री राम के गोरे रूप के दर्शन। और इस मंदिर की मान्यता है कि सच्चे दिल से जो भी मांगो उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। और कहा जाता है कि अयोध्या के मंदिरों में भक्तों की भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन होता है। तो आइए जरा पुजारी जी से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में, देखते हैं वो क्या बताते हैं आगे लिए। पंडित जी, ये गोरे राम जी और काले राम जी में क्या डिफरेंस है मंदिर का? काले राम जी जो है, जो दर्शन किए होंगे अभी आप, वो भगवान पहले जन्मभूमि पे थे। हाँ। वहाँ से जब महात्मा जी को प्राप्त हुए तो उनके मुख से जो पहला उद्गार निकला काले राम जी प्राप्त हुए, उन्होंने काले राम नाम रखा। अच्छा। जब तक ये जन्मभूमि पे थे इनका नाम विष्णु हरि था। अच्छा। वहाँ पे और भगवान का वर्ण श्याम है इसलिए महात्मा जी ने काले राम जी रख दिया। अच्छा। उसी प्रकार से भगवान का वर्ण उज्ज्वल कांति है। इस मंदिर की जब स्थापना हुई 1867 में, तो जो माता जी ने इनकी स्थापना की थी उनके मुख से जो पहला उद्गार निकला था कि गोरे राम जी है, तो उन्होंने गोरे राम नाम। अच्छा। ऐसे कल मैं कहाँ गई थी, दशरथ महल में। हाँ, दशरथ महल में उन्होंने 3 राम जी रखे हुए थे, एक गोरे, एक काले और एक सांवले बीच में। तो उन्होंने मुझे एक बताई कहानी कि वो जब बन गए थे तो काले पड़ गए थे, तो इसलिए वो काले हो गए। फिर जब वो थोड़े दिन यहाँ रहते रहे तो फिर वो सांवले रंग पे आ गए। और इधर की थी कि वो जब उनका विवाह हुआ तब वो गोरे थे, तो वो तो इस तरीके से उन्होंने तीनों, मैंने कहा सही है, सारे से रूप लगाए हुए, अच्छे लग रहे थे वहाँ पे। अच्छा, भगवान का वर्ण श्याम तो है ही है। हाँ, श्याम तो है ही, श्याम वर्ण है। उसी प्रकार से उज्ज्वल कांति भी है। हाँ, उज्ज्वल कांति भी है, बिल्कुल। गोरे राम जी है। अब गोरे राम आपके नासिक में भी है। नासिक में भी, नासिक में भी काले राम और गोरे राम दोनों है। महाराष्ट्र में आपको मुंबई में भी है। अच्छा। काले राम जी और गोरे राम जी वहाँ पे भी, तो मतलब मुंबई में है और यहाँ पे है और नासिक में, नासिक में, तीन जगह में गोरे राम काले राम दोनों, काले राम दोनों जगह है। वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का। अच्छा। अच्छा, काले राम जी का। चलिए, जय हो। तो मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं हम बाहर, और देखिए पुजारी जी ने हमें दिए फोटो। चलिए अब हम चलते हैं आगे और कराते हैं आपको काले राम जी के भी दर्शन। दोस्तों, सामने है नागेश्वर नाथ जी का मंदिर और नागेश्वर नाथ के बिल्कुल बगल से जो गली है इसके अंदर है हमारे काले राम जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं उस गली के अंदर। काले राम मंदिर। हाँ हाँ, अच्छा वहीं पे। अच्छा, थैंक यू बेटा। तो हम पहुंच गए हैं काले राम मंदिर के बिल्कुल सामने। ये देखिए रहा काले राम मंदिर का प्रवेश द्वार, और इसी मंदिर में नीचे लिखा हुआ भी है श्री काले राम जी का मंदिर, जन्म स्थान की मूर्ति विष्णु हरि की। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर।
दोस्तों काले राम भगवान की स्थापना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई थी। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर इनकी स्थापना की थी। यह विग्रह 1528 ईस्वी तक अपने पूर्व तक रहा, लेकिन बाबर ने जब आक्रमण किया तो उस समय वहां पर एक सिद्ध संत श्यामानंद सरस्वती जी थे। उनको यह आभास हुआ कि मुगल आक्रमण करेंगे और मंदिर को तोड़ेंगे और मूर्तियों को भंग करेंगे, तो उन्होंने मूर्ति को बचाने के लिए इसे सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया और उसके उपरांत मुगलों ने आक्रमण किया तो उन्हें मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई। वह भगवान जो 1528 में सरयू जी में प्रवाहित किए गए थे और 220 वर्षों तक नहीं मिले। उसके बाद सन 1748 के आसपास की घटना है कि महाराष्ट्र के एक संत जो नदी के किनारे कर रहे थे तपस्या और उसी दौरान उन्हें भगवान का दर्शन और आदेश हुआ कि कुछ ही दूरी पर नागेश्वर नाथ मंदिर है, वहां पर हमारी स्थापना करो। और जब ये स्नान करके महात्मा नदी में गए तो उन्हें सरयू नदी में वह मूर्ति प्राप्त हुई। इस मूर्ति के प्राप्त होते ही सबसे पहले उनके मुँह से यही शब्द निकले कि काले राम जी मिल गए, इसलिए इस मंदिर में विराजमान भगवान का नाम काले राम पड़ा। तो इस प्रकार ये मूर्तियाँ पहले रहीं राम जन्मभूमि पर, उसके बाद आई नागेश्वरनाथ मंदिर में और अब आई हैं यहाँ पर काले राम मंदिर में। और देखिए यहाँ पर काले राम जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी आरती लिखी हुई है कि आप ये इस तरीके से उनका गुणगान करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आगे ही हमें एक कुछ और जगह दिखाई दे रही है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। इधर भी कुछ है क्या? राम नाम मंदिर है, जा सकते हैं? परिक्रमा। अच्छा अच्छा राम राम। और दोस्तों इन काले राम जी के दर्शन के बाद हमें सामने एक और गोरे राम जी भी दिखाई दे गए इस मंदिर के बिल्कुल सामने। तो चलिए इनके दर्शन करके, इनको प्रणाम करके हम एक बार दोबारा एक दूसरे और गोरे राम जी के दर्शन कराते हैं आपको। अच्छा काले राम जी गोरे राम, ये काले राम जी ये गोरे राम जी, गोरे राम जी काले राम जी, अच्छा आमने सामने बना रखे हैं। तो दोस्तों आपको गोरे राम जी, काले राम जी, फिर एक और गोरे राम जी के दर्शन कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं मिलूंगी आपको एक अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।